तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं एमएस वर्ड पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सॉरी, तो मैंने यहाँ पे हमेशा की तरह फिर से वर्ड खोला, इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज किया। तो हमने पार्ट 2 में होम को खत्म कर लिया था, होम टैब को। तो अब हम लोग चलने वाले हैं इमेज एडिटिंग पे। तो चलिए अब मान लेते हैं कि हमें कोई इमेज चाहिए, तो इसके लिए मैंने खोला है होम। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बेस्ट साइंस इमेजेस, बेस्ट साइंस इमेजेस। अब हम लोग जाएंगे इमेज में, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे इमेज आ गए हैं। मैं आप लोग, जैसे कि मैं गया बुक्स में, मैं आपको बुक से रिलेटेड मिलेगी। और अब मैं जाता हूँ मान लीजिए साइंस फ्राइडे में, मैं आपको फ्राइडे की कुछ मिलेगी। बुक कवर में जाएंगे तो अलग चीज़ें मिलेंगी, रेस में जाएंगे तो अलग चीज़ें मिलेंगी। ओह ये क्या, मैं तो आपको गूगल क्रोम सिखाने लगा। एक सेकेंड, ओफो, बस एक सेकेंड दोस्तों। तो आप मान लीजिए कि मैं इस वाली इमेज को चूज करना चाहता हूँ, ये थोड़ा अजीब दिखता है शायद इस वाली इमेज को। तो इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी कंट्रोल सी से। सॉरी, इस पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे करेंगे कॉपी इमेज। और फिर हम लोग बस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ये वाला जो हमने लिया था डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के उस इमेज को पेस्ट कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको अगर ये इमेज बड़ी चाहिए तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 8 रिसाइजिंग हैंडल्स, जिससे कि आप रिसाइज कर सकते हैं। इससे ये इसे हॉरिजॉन्टली रिसाइज करेगा, और इस वाले से ये इसको वर्टिकली रिसाइज करेगा। एक सेकेंड, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नीचे से नहीं हो, ऊपर से हो, तो आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ एक और चीज। आप लोग देख सकते हैं, अब मैं इसको इस साइड हिलाना चाहता हूँ तो ये नहीं मूव हो रहा है। तो इसके लिए आप इस रेनबो वाली चीज पर जाइएगा और यहाँ पे ये टाइट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब ये टाइट बन चुका है, अब इसको बंद करेंगे और अब आप लोग देख पाएंगे कि ये मूव हो रहा है। और जब आप इसको ऐसे ऊपर से रिसाइज कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये जो है नीचे की तरफ से नहीं हो रहा है रिसाइज, बल्कि ऊपर की तरफ से हो रहा है। अब मैं इसे ऐसे करूँ तो ये हॉरिजॉन्टली रिसाइज हो रहा है, और ऐसे करूँ तो वर्टिकली हो रहा है। पर क्या कहूँ, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये इक्वली भी हो सकता है रिसाइज, तो इस वाले रिसाइजिंग हैंडल से ये हर जगह से इक्वली रिसाइज होगा। ये देखिए वर्टिकली भी बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रहा है, और साइड से भी बढ़ रहा है। तो अब मैंने इसे यहीं पे छोड़ दिया, और अब मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर एडिटिंग चीजें सिखाऊंगा। तो इस पे हम लोग जाएंगे और हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे। तो ये तो हमारी पिक्चर है, लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे 3D मॉडल चाहिए। तो प्लीज वेट व्हाइल वी लोड 3D मॉडल्स। अभी ये खोज रहे हैं 3D मॉडल्स, क्योंकि मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, तो इन लोगों को तैयार रहना होगा। इसको ये हुआ। अब मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। आप लोग चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और अब यहाँ से मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए, इसे यहाँ पे टिक आ गया। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए। और सिर्फ ये कोई फोटो नहीं है, बल्कि ये एक 3D इमेज है, तो मैं इसे घुमा भी सकता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ ऐसे नीचे से, ये ऐसे,
ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं मैं इसे घुमा रहा हूँ काफी मजेदार है ना। और आप चाहें तो इसको यहां से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर शायद ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या नॉर्मल। तो ये काफी ज्यादा इजी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें एक और 3D मॉडल चाहिए, जैसे कि एनिमेटेड मॉडल्स में कोई एनिमल ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैट, ये कैट का 3D मॉडल मैंने लिया है। इंसर्ट, ये थोड़ा सा वो इंसर्टिंग के लिए अभी तैयारियां कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग, और ये आपका माउस पॉइंटर भी घूम रहा है। इंसर्टिंग 3D मॉडल वन ऑफ वन, अभी ये इंसर्ट कर रहा है, तो उसका वेट करते हैं इंसर्ट करने का। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो ये हम लोगों की यहाँ पे कैट आ गई है। अब इसको हम लोग घुमाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसके पैर देखना चाहता हूँ, अब मैं इसकी पूंछ देखना चाहता हूँ। तो ये था, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, या फिर शायद ऐसे, या फिर ऐसे, या ऐसे। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं इसको, कैसे भी आप इसको घुमा सकते हैं। और अब मान लीजिए कि मुझे कैट उल्टी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से, अभी मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ये किसी एंटीना की तरह लग रहा है। तो ये थी पिक्चर्स की ट्रिक्स, और भी मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स भी हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए हमने इतना कर लिया, एक सेकेंड सॉरी। तो अब हम लोग मिलेंगे MS Word Part 4 में, जिसमें कि मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब पूरा करवा दूंगा, पिक्चर्स के बारे में आपको ये पूरा करवा दूंगा। तो अभी के लिए बाय दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम लोग मिलते हैं Part 4 में। बाय बाय फ्रेंड्स।